देश में आइलैंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ी शुरुआत की है। सरकार ने चार मंत्रियों का एक वर्किंग ग्रुप बनाया है जो इसके अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करेगा और उसी के आधार पर आइलैंड डेवलप किए जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। देश में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे खूबसूरत आइलैंड्स की भरमार है, लेकिन उनका अभी तक टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर खास इस्तेमाल नहीं हो पाया है। सरकार ने अब इसे बदलने की तैयारी कर ली है। घरेलू आइलैंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चार मंत्रियों का एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है जो इसके हर पहलू का अध्ययन करेगा। डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वैसे तो कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, पर अब मोदी सरकार ने आइलैंड टूरिज्म को विशेष तौर पर डेवलप करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बना दी है। ये ग्रुप आइलैंड टूरिज्म को डेवलप करने के अलावा रोजगार के नए अवसर भी तलाश रही है। वर्किंग ग्रुप आइलैंड डेवलपमेंट का प्लान तैयार करने के साथ ही वर्जिन आइलैंड्स की भी तलाश करेगा। वर्किंग ग्रुप आइलैंड्स डेवलपमेंट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के लिए विकल्प भी तलाशेगा। योजना है कि हर आइलैंड का अपना अलग आर्किटेक्चर होगा, साथ ही कम से कम चार आइलैंड्स को ड्यूटी फ्री बनाने की योजना है। इनके डेवलपमेंट के लिए सिंगापुर और मालदीव जैसे देशों की मदद भी ली जाएगी। डेवलपमेंट में इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि आइलैंड्स की बायोडायवर्सिटी कायम रहे और उसी को उसका USP बनाया जाएगा। तो बेसिकली मालदीव्स बहुत लोग जाते हैं और मालदीव्स के अलावा पूरी वर्ल्ड में आइलैंड टूरिज्म बहुत ज़बरदस्त फैला हुआ है। तो देर आए दुरुस्त आए, ये मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ इस गवर्नमेंट को कि इन्होंने ये पहल ली और आइलैंड्स की तरफ फोकस करने का सोचा। आइलैंड्स के लिए स्पेशल चार्टर्ड प्लेन सी प्लेन क्रूज के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर सरकार का खासा जोर होगा। देश में 200 से ज्यादा आइलैंड्स हैं जिनमें अधिकतर वर्जिन आइलैंड्स हैं, यानी वहां कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सरकार इनके डेवलपमेंट से रोजगार के नए मौके खोलना चाहती है। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया।